आपने देखा जो हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं स्पेशली पापा, उनके डांटने का अलग अंदाज होता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में रखते हैं। बेटा क्या यही सिखाया था? कैसे दिन के लिए पढ़ा किया था? कैसे दिन के लिए फेसबुक ही सब कुछ है? और अगर आप जल्दी से इन सवालों का जवाब दे दो तो आपको चुप करा देते। नहीं बेटा इसी दिन के लिए पढ़ा किया था आपको? यही सिखाया पापा ने? कौन हंस पेगा? अरे पापा वो शॉट हो, क्या जरूरत थी प्रिंसिपल सर की डॉक्टर को छेड़ने की? अपने मोहल्ले में लड़का नहीं है क्या? पापा आपने अपने मोहल्ले की लड़कियां देखी है? क्या गिवअप है यार? शॉट हो। आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हो कि पापा चाहते क्या? अभी जवाब नहीं दो तो स्पीक अप, जवाब दो तो शट अप। तो आपको ये लगता है कि द बेस्ट इज टू रिमेन साइलेंट एंड जस्ट लेट द मोमेंट पास। और आप ये स्ट्रेटेजी अपना रहे होते हो उतने में मम्मी उंगली कर देती है, बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं। जवाब दो। और आपने देखो इंडियन मम्मियां बड़ी चालाक होती है, बहुत क्लीन इमेज रखती है बच्चे के सामने, अपना सारा काम करेगी, खाना पीना शॉपिंग सब कुछ, डांटेगी नहीं। डांटने का पूरा गंदा काम वो पापा को आउटसोर्स कर देते हैं, इसलिए बेचारे पापा की हमेशा विलेंस इमेज बन जाती है, डांटते ही रहते हैं। और पापा जब डांटते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा वो डांटने में इतना ज्यादा खो जाते हैं, अक्सर कैरेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं। नहीं पढ़ा लिखा तो करनी है नहीं इसको, बस वो सुरेश जी का लड़का वो कौन है यार वो? पापा राजेश शॉट टॉप रहता है। ये देखिए अपने अपने बेटे की रिपोर्ट कार्ड देखी तुमने रोहिणी? नहीं क्या डिक्टेशन में भी माइनस वन नंबर आए? उन्होंने डिक्टेशन की भी स्पेलिंग गलत लिख दी। नहीं सर्टिफिकेट के नाम पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है इसके पास। एंड दैट टू नॉट बिकॉज ही वॉज गुड एट इट। Only because we were good at it. Just talk some sense into your son Rohini. और मेरी मम्मी फिर जी रोहिणी नहीं मोहिनी। आपने देखा होगा इंडियन डैड होते हैं सबका फेवरेट काम होता है बच्चे को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाते हैं, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया लाइफ में, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। और जब ये सुना रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत फेक भी देते हैं, इनको पता है अपना ही बच्चा है क्या तो ऑब्जेक्ट करेगा, करेगा तो शटअप बोल के चुप करा देंगे। तो इसी तरह के एग्रेसिव कैरेक्टर अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है बच्चे को, बीच बीच में फेंक भी रहा है। अच्छा बेटा पापा जब गांव से निकले थे ना तो सीने में जुनून और जेब में 10 रुपए लेके निकले थे? यार एक तो ये सबके बाप 10-20 रुपए लेके ही निकलते हैं, जबकि पता है कि सारा 10 रुपए में तो गोल्ड फ्लेक नहीं आती है पर निकल पड़ते हैं। ये तो बहुत स्ट्रगल किया बेटा पापा ने। नहीं उस वक्त घर में पीने तक का पानी नहीं था, रात को दारू नीट मारनी पड़ती थी, बहुत कुर्बानियां दी है बेटा पापा ने, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे थे। नहीं एक बार तो दारू के पैसों के लिए 2 बोतल खून बेचना पड़ा था आपका, ऐसी थोड़ी आप कमजोर रहते थे बचपन में, बहुत स्ट्रगल किया बेटा पापा ने। लेकिन इसके बावजूद पापा ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, सीधा पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगते थे। अच्छा जब पापा मम्मी बता रही थी आप हिंदी मीडियम स्कूल से थे तो जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए तो काफी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था आपको? बिल्कुल होता था बेटा, लेकिन बेटा पापा लाइफ में फाइटिंग स्पिरिट रखते थे, एक एक कैसे एटीट्यूड रखते थे। जब शहर में आए थे तब इंग्लिश में एबीसीडी तक नहीं आती थी, और आज चेक के स्लो वाक्य की स्पेलिंग याद है CZCH और स्लो के स्पेलिंग भी गलत सुना था बेटा। फर्क देखो, पहले पापा कहीं भी जाते थे लोग क्या बोलते थे? पांडू आ गया, पांडू आ गया। अच्छा बेटा तो फैमिली ऑडियंस बैठी इसलिए पांडू बोलना पड़ रहा है। ये मेरे पेरेंट्स की स्टोरी नहीं है। अच्छा आपने कई बार देखा होगा जब पापा ये सब फेक रहे होते हैं सक्सेस स्टोरी की, सब कुछ नॉनी ने किया है, तो साइड में जो दादाजी बैठे होते हैं उनका ईगो कितना हॉट होता होगा, उन्हें कैसा लगता होगा कि यार मुझे कितना लूजर पोटरी किया जा रहा है, मैंने कुछ कह नहीं सारे झंडे इसी ने गाड़े। तो उस वक्त दादाजी के मन में क्या चल रहा है? नहीं साहब, नहीं सारा बिजनेस तो इसी ने सेट किया, हम तो यहाँ बैठे बैठे तानपुरा बजा रहे थे।
और सब कितनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं अपने बच्चे के सामने कि जेब में से 10 रुपए लेके चले थे। ये जो बच्चा 10 लाख का चेक लेके गया था वो थोड़ी बताएगा पांडू कहीं का। सब ये दिन भर बस चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बोल बोल के हीरो बनता रहता है। नहीं नहीं, अगर इसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है तो निमोनिया की बोल के बताए भाई, मान लेंगे हम PNEUMN नहीं है। और सब अगर इंग्लिश सीख भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, हिंदी जैसी तो होती है। इंग्लिश में लड़की को बोलते हैं चिक और हिंदी में राप चिक। और आपने देखा होगा मेरे इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो कितना स्ट्रेस देते हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, लेकिन जब सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो ऐसे रेट करते जैसे कुछ पता ही नहीं उनको, सब मनमोहन जी के भरोसे चल रहे हैं। तो बच्चे बड़े भोले रह जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। IIT में मेरा जो रूममेट था फर्स्ट ईयर तक तो उसको यही लगता था कि उसके पापा भी वर्जिन है। तो जब मैंने उसको उसके पापा की असलियत बताई तो वो तो सदमे में चले गया, ओह माय गॉड, क्या पापा मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है।